आप सब्सक्राइब कीजिए एसएससी स्मार्ट क्लासेस को सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रिगार्डिंग एनी एसएससी एग्जाम और आरटी अप्लाई के लिए, और साथ ही एडवांस मैथ्स की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीओ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो कम टाइम में फास्ट एनालिसिस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 का जो केस हुआ था, जो कि एक साल हो गया, लगभग एक साल से भी ऊपर हो गया उस केस को, तो उसकी कुछ अपडेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आज इसकी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको ये दिख ही गया होगा, यहाँ पे जो आपकी अलग अलग हियरिंग डेट्स आई थी, आपको 31 की लगी थी, फिर आपकी 12 को लगी थी, फिर उसके बाद आपकी 29 अक्टूबर को लगी थी, फिर 13 11 18 को लगी थी, उसके बाद आपकी 13 दिसंबर को डेट आई थी, 13 दिसंबर के बाद आपकी जनवरी में आई थी, जनवरी के बाद आपका ये कहने लगे थे कि आपकी जो विंटर ब्रेक्स हैं उसके बाद आपकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद 17 के बाद आपकी 22 को आई, जनवरी को 22 के बाद आपकी 29 डेट दी उन्होंने, 29 डेट को फिर नोट हियर जस्टिस बोबड़े एबसेंट थे, उसके अलावा बाद आपकी 15 को फरवरी को आई, कंप्यूटर जनरेटेड ये डेट थी, उसके बाद 6 को आई आपकी, 6 के बाद आपको 13 की आनी थी जो कि कल है, और 13 को आपका यहाँ पे क्या आया है, कंप्यूटर जनरेटेड थी और केस जो है वो लिस्ट नहीं हुआ, और उसके बाद ये ऐलान आया कि अब आपकी जो केस होगा वो आपका होली के बाद देखा जाएगा, होली यानी कि आपकी जो है वो 10-12 दिन बाद है, तो 10-12 दिन बाद केस लिस्ट होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो 10-12 दिन बाद भी मैं आपको बताऊं तो इस केस के बारे में अगर कोई वर्डिक्ट आ जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके बाद भी आपका कोई वर्डिक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये डेट और लंबी जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, तो ये केस तो आपका लंबा चलता रहेगा। ऐसे में आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सीजीएल 2018 का जो एग्ज़ाम है जो 6 जून से आपके स्टार्ट होने हैं, तो आप उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। और अभी जो करंट में आपका सीपीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, तो प्लीज़ स्पेशली उसी एग्ज़ाम पे आप फोकस कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आपका क्या करना है, और जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपको मैं इस वीडियो में आपके जो है वो इस चैनल में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो जो जो एग्ज़ाम के एनालिसिस हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जस्ट एसएससी स्मार्ट क्लासेस नाम से आप सर्च कीजिए, और एडवांस मैथ्स की मैं बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस आपको करवा ही रहा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है। और प्लीज़ इस पे ज़्यादा आप डिमोटिवेट मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही दिन से बता दिया था कि ये केस आपका लंबा चलना है, आप ही लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं वो 2018 जो है वो पहले कंडक्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने इतना मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इतनी नीचे बैड कमेंट्स लिखे, लेकिन मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरी जितनी बातें सच हुई थी, मैंने आपको सीपीओ का बताया था कि आपका मार्च में ही आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, फरवरी में उसकी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आने वाली, लेकिन फिर वही बात है, आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, फिर आपने कुछ चैनल्स की जो है वो बात सुन के ये बोला था मेरे को कि जो मार्च में है आपके, मार्च ऑफ एंड में आपका 25 है ये सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने आपको कहा था कि नहीं, ये एग्ज़ाम आपके इलेक्शंस के बाद ही होंगे, आपके मई या जून में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो डेफिनेटली वही हो रहा है। तो प्लीज़ मैं यार कोई भी चीज़ जो है वो आपको ऐसे नहीं बोलता है, कुछ उसके पीछे एक बेस होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है, इस वजह से मैं आपको जो है वो पूरा एनालिसिस करके, ठीक है, लोगों की राय लेके, एक्सपीरियंस लेके, तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल्स के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।